21 जून को वैक्सीनेशन में आई रफ्तार दूसरे दिन कितनी कायम रही? कोविशील्ड की दो डोज ले चुके लोगों के लिए खुशखबरी क्या है और वैक्सीन को लेके आज की बड़ी खबर क्या है, देखिए टॉप 9 कोरोना से जान। देश में 24 घंटे में कोरोना के 50,784 नए केस आए हैं। 68,000 से ज्यादा मरीजों के रिकवर होने के बाद देश में इस वक्त एक्टिव केस 6,38,000 रह गए हैं। इस बीच एक दिन में महामारी से 1,359 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली और यूपी में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 397 और यूपी में 202 नए केस आए। वहीं एक दिन में दिल्ली में 8 और यूपी में 58 लोगों की मौत कोरोना से हो गई। राजधानी में एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 से नीचे आ चुकी है। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज हो चुकी है। 21 जून को रिकॉर्ड बनाने के बाद 22 जून को देश में कुल 52.84 लाख डोज वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही देश में अब तक 28.97 करोड़ डोज वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इनमें 23.84 करोड़ लोगों को सिंगल डोज जबकि 5.13 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन भारत ने वैक्सीनेशन के मोर्चे पर नया मुकाम हासिल किया है। इस दिन 88,09,000 डोज लगाई गई। इसमें सबसे खास बात ये रही कि इनमें से 64% वैक्सीनेशन ग्रामीण इलाकों में हुआ जबकि 36% शहरी इलाकों में। अब सरकार का फोकस वैक्सीनेशन के लिए महिलाओं को आगे लाने का है। ओडिशा में वैक्सीनेशन को गति देने के लिए मेगा प्लान बनाया गया है। राज्य सरकार ने हर रोज 3,00,000 डोज वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए पूरे प्रदेश में 1500 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। कोवैक्सीन की फेज 3 ट्रायल के डाटा को DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोवैक्सीन 77.8% असरदार है। फेज 3 का ट्रायल 25,800 लोगों पर हुआ था। इसमें ये देखा गया कि ये वैक्सीन कोरोना होने पर कितना बचाव करती है। कोवैक्सीन को जल्द ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिल सकती है। WHO ने इस सिलसिले में भारत बायोटेक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद आज भारत बायोटेक और विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक हो रही है। इस मीटिंग के बाद जल्द ही एक फाइनल मीटिंग होगी जिसमें कोवैक्सीन को मंजूरी मिलना तय माना जा रहा है। ब्रिटेन में की गई नई स्टडी में दावा किया गया है कि कोविड से दिमाग के हिस्से सिकुड़ रहे हैं, साथ ही गंध, स्वाद और याददाश्त पर ये बीमारी असर डाल रही है। पहली बार इंसान में संक्रमण होने से पहले और इसके बाद दिमाग के स्कैन को स्टडी किया गया है जिसमें दिमाग पर असर की पुष्टि हुई। कोविशील्ड की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे लोगों के लिए आज से दुबई की फ्लाइट उपलब्ध होगी। दरअसल ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को दुबई सरकार की ओर से मंजूरी मिली हुई है और भारत में कोविशील्ड का उत्पादन इन्हीं कंपनियों की ओर से किया जा रहा है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।